वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा आज हम प्रीवियस पेपर के कुछ जीके के क्वेश्चन देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में ये पूछा गया था कि राष्ट्रपति को उनके पद से समय से पहले कौन हटा सकता है। तो बेटा राष्ट्रपति को उनके पद से समय से पहले हटा सकता है भारत का संसद। और संसद में कैसे हटाया जाएगा बेटा, एक होता है महाभियोग, इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के द्वारा, महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को समय से पहले हटाया जा सकता है। बेटा महाभियोग अनुच्छेद के कौन से, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में, कौन से आर्टिकल में महाभियोग की प्रक्रिया इम्पीचमेंट दिया गया है? तो आपको मालूम है बेटा महाभियोग की प्रक्रिया दे रखी है अनुच्छेद 61 में, 61 में। तो इन्हीं आर्टिकल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो राष्ट्रपति के बारे में है। तो संविधान के कौन से भाग में राष्ट्रपति का उल्लेख है? बेटा संविधान के पांचवें भाग में राष्ट्रपति का उल्लेख है। कौन से भाग में क्षमादान की शक्ति है? राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति एक ऐसी चीज, ऐसी पावर है जो किसी भी व्यक्ति को कैसे भी सजा क्यों ना हो उसको माफ कर सकते हैं राष्ट्रपति, है ना। तो ये कौन से आर्टिकल में, ये है आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 में ऐसा दिया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल 60 में क्या है? आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। आर्टिकल 52 में क्या है? आर्टिकल 52 बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति भी होगा। आर्टिकल 108 क्या है? अनुच्छेद 108 बोलता है कि राष्ट्रपति संसद में दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुला सकता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त जॉइंट सेशन कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति बुला सकता है अकॉर्डिंग टू 108 आर्टिकल के अकॉर्डिंग, 108 अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़नी है। तो राष्ट्रपति का एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन सुनिए क्या पूछा गया था। तो बेटा क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन का अन्य नाम क्या था और ये कब हुआ था। बड़ा सिंपल पॉइंट है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो बेटा ये भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? तो सबको मालूम है अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति, क्योंकि अगस्त में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। किनके द्वारा स्टार्ट किया गया था? देखो बेटा स्टार्ट तो ये कुल मिलाकर सबने किया था, लेकिन जो एक नाम आता है महात्मा गांधी का आता है। लेकिन एक ऐसा आंदोलन है ये, देखो आंदोलन स्टार्ट तो कर दिया लेकिन अगले ही दिन सबको पकड़ लिया अंग्रेजों ने और जेल में डाल दिया। भारत का एक ऐसा आंदोलन था ये जो बिना किसी की लीडरशिप में चला और सक्सेसफुल भी ये माना जाता है, है ना। तो ये कब था? 1942 में, है ना। इसी में करो और या करो या मरो का नारा भी दिया गया, डू एंड डाई, या तो इसको करिए या तो अपने देश के लिए लड़िए, नहीं तो मर जाइए ऐसे ही। तो करो या मारा मरो का नारा इसी में दिया गया, करो या मरो का नारा इसी में दिया गया। इसी को अगस्त क्रांति बोलते हैं क्योंकि अगस्त में था, है ना, 1942 के अंदर था ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था इसमें? अगला क्वेश्चन था सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, सन क्या है, एक कोई प्लैनेट है, कोई स्टार है या कोई सैटेलाइट है, क्या है सूर्य? तो सबको मालूम है सूर्य क्या है, क्या है सूर्य? सोचा, सूर्य है बेटा एक स्टार, एक तारा है, नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है सूर्य। और सूर्य में उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, क्यों चमकता है, क्यों इतनी पावर है? क्योंकि उसके अंदर है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, है ना। हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो 71% है, बाकी लगभग 27% उसमें हीलियम है। उसकी आउटर लेयर को बोलते हैं कोरोना, जिसका टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस, है ना। जो अंदर वाली जो कोर है जो, उसका टेम्परेचर कितना होता है? 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस, ये उसकी कोर का टेम्परेचर है, है ना। तो सन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन है, कितने उनके प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। पहले कितने थे? 9 थे। कौन सा हटा? प्लूटो हटा। कब हटा? अगस्त 2006 में हटा। कहां पर हटा? चेक गणराज्य में हटा, क्योंकि वो नेपच्यून जो प्लैनेट है उसकी ऑर्बिट को, उसकी कक्षा, उसके रास्ते को काट रहा था, इसलिए प्लूटो को हटा दिया, हमें प्लैनेटरी जो प्लैनेटरी कैटेगरी उससे रिमूव कर दिया गया अभी, है ना। कब? 2006 में जिसको किया है। अगला क्वेश्चन क्या था बेटा? नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? व्हाट ए क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत में पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। बड़ा सिंपल है। कब मिला? 1913 में मिला। किस चीज के मिला, किस चीज के लिए मिला? उनकी एक पुस्तक है बेटा गीतांजलि,
गीतांजलि के लिए उनको ये पुरस्कार मिला था, है ना। रविंद्रनाथ टैगोर बड़े अच्छे अच्छी पुस्तकें हैं, उन्होंने अपना स्कूल भी खोला, वो जो विश्वविद्यालय उसके लिए भी उन्होंने काम किया। बाद में उनकी डेथ हो गई फिर 1941 में उनकी डेथ फिर बात बताई जाती है बाद में, है ना। तो अगला क्वेश्चन सुनिए क्या था इसमें, कथक नृत्य कहाँ का है, कथक डांस कहाँ का है। तो बेटा कथक डांस है, एक होता है कथक कली, लेकिन क्वेश्चन कथक कली नहीं है, कथक डांस है कहाँ का, कथक डांस है उत्तर प्रदेश का। यानी उत्तर प्रदेश नहीं दिया गया होगा, अगर फिर दिया गया होगा कि नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया भी आप कर सकते हो, अगर उसमें उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश कर सकते हो। कथक डांस की जो नृत्यांगना है वो माधुरी दीक्षित बताई जाती है, बड़ी फेमस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन सुनिए, पहले मैं डांस के बारे में ही कुछ क्वेश्चन आपको बता दूं। देखो कथक डांस है कहां का, उत्तर प्रदेश का। कथक कली केरला का, मोहनी अट्टम ये भी केरला का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, और यक्षगान कर्नाटक का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, जात्रा पश्चिम बंगाल का, बिहू सतरिया ये असम का है, है ना। युद्ध नृत्य मुखोटा डांस ये अरुणाचल प्रदेश का, लावणी कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, घूमर कहाँ का है, राजस्थान का है, सुई सीनी कहाँ का, ये भी राजस्थान का है ना। तो ये सारे डांस मैंने आपको बताए हैं, ये क्वेश्चन में बार बार क्वेश्चन में ये आते हैं, स्टैटिक जीके है बेटा, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, पूछा गया कि जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में स्थित है, जवाहर टनल इन विच पास, है ना। जवाहर टनल, जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में है, तो बेटा जवाहर सुरंग कहां पर है, जम्मू कश्मीर, जम्मू और कश्मीर को ये जोड़ती है, और ये बनिहाल पास में है, बनिहाल दर्रे में है। कौन से नेशनल हाईवे में बताई जाती थी, अभी कुछ नेशनल हाईवे के नाम कुछ चेंज हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 1A, एंड नेशनल हाईवे 1A में ये स्थित थी, है ना, बनिहाल पास, ओके, बनिहाल दर्रे के अंदर है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सुनिए, भारत व बांग्लादेश के बीच में कौन सी रेलगाड़ी चलती है, फिलहाल कौन सी चलाई गई थी, हाल फिलहाल में भी एक दो साल के अंदर, जो कि कई वर्षों बाद ये चली है, पहले चलती थी बंद कर दी गई थी। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में बेटा मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई है, पहले काफी समय पहले ये चलती थी, फिर बंद की और फिर से स्टार्ट कर दी गई मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में। ऐसे ही समझौता एक्सप्रेस किन किन देशों के बीच में चलती है, समझौता एक्सप्रेस चलती है भारत और पाकिस्तान के बीच में, एक बंधन एक्सप्रेस भी है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती है ना। तो ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, थार एक्सप्रेस किस किस के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि भारत के राजस्थान से पाकिस्तान के सिंध को वहां पर जोड़ती थी वो, है ना। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन रेलवे के क्वेश्चन भी आते रहते हैं। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन हम करेंगे डिस्कस, अगला फिर से सेशन देखना, क्योंकि आज के जो कुछ मेन करंट का इतना कुछ क्वेश्चन था नहीं आपके एग्जाम के लायक, इसलिए मैंने प्रीवियस पेपर के एसएससी के जो क्वेश्चन थे जीके के वो मैंने आपको बताए हैं, है ना। ज्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी से आते हैं, विद करंट अफेयर स्टैटिक जीके ज्यादातर ये क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसमें राष्ट्रपति का भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था अभी, है ना। तो पॉलिटी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ज्यादातर करना है ज्योग्राफी, क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस से भी उसका रिलेशन है, और वो स्टैटिक जीके भी है और वो करंट भी है। तो ज्योग्राफी आपको ज्यादा करना है, फिर आपको हिस्ट्री करना है, पॉलिटी करना है, इकोनॉमिक्स करना, फिर करंट अफेयर ज्यादा करना है, विद स्टैटिक जीके आपको करना है। जनरल साइंस के क्वेश्चन भी इसमें ज्यादा आते हैं, तो बेटा जीके का तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, जितना जैसे 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 मैं करा रहा हूं वैसे डेली इसको कीजिए, आपका जीके में बहुत अच्छा स्कोर रहेगा, ये मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है बेटा। अगली क्लास में हम मिलते हैं, अगला जो कल की क्लास होगी वो करंट सेशन की हमारी क्लास होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।